गर्मियों का मौसम प्रारंभ हो गया है और प्रत्येक गर्मी के मौसम में नगर पालिका निगम भिलाई के बहुत से वार्ड पेयजल आपूर्ति एवं दूषित पेयजल या पेयजल की पाइपलाइन फूटने की समस्या से ग्रसित रहते हैं। इसे देखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई में एक सहायता केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके जरिए शुद्ध पेयजल से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या का समाधान त्वरित रूप से किया जा सकेगा। इस सहायता केंद्र में 2 कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई है, जो दिन शनिवार और रविवार को जिस दिन निगम भिलाई में अवकाश रहता है उस दिन भी ये दोनों कर्मचारी निगम भिलाई की सहायता केंद्र में उपलब्ध रहेंगे, जिससे निगम भिलाई के किसी भी वार्ड में पेयजल की समस्या से अवकाश के दिन भी निपटा जा सके। आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय ने निगम के मुख्य कार्यालय में एक हेल्प डेस्क की स्थापना किया है, जहां 2 पाली में कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, राजेश पाठक और राजदीप वैष्णव के नाम पे। वे दोनों वहां उपस्थित रहेंगे और जो पेयजल की समस्या क्षेत्र में आएंगी, निगम क्षेत्र में, उसके संबंध में जो कोई अगर जानकारी आती है, सूचना आती है, तो उसको सहायक अभियंता जोन वाइज उनको सूचित करके पेयजल की वहाँ तत्परता से उपलब्धता करवाई जाएगी। इसलिए हेल्प डेस्क का स्थापना किया गया है। नहीं, एक दूरभाष वहाँ स्थापित किया गया है। फिलहाल तो उसके मोबाइल पे ही सूचित किया जाना है, उसके आधार पे सूचना मिलेगी।